गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार लोहिया आवास योजना भले ही चला रही हो, लेकिन फतेहपुर जिले में लोहिया आवास के पात्रों का चयन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हालात ये है कि ग्राम प्रधानों द्वारा अपने चहेतों को पात्र बताकर लोहिया आवास का लाभ दिलवाया जा रहा है, और इतना ही नहीं, आवास का लाभ देने के नाम पर लोगों से जमकर अवैध वसूली भी की जा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रदेश सरकार की इस बहुचर्चित आवास योजना में हो रहे घपलों की शिकायत लोगों द्वारा आला अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा फतेहपुर जिले में बीपीएल के लाभों से वंचित लगभग 2500 निर्धनगम व्यक्तियों के लिए लोहिया आवास स्वीकृत किए गए हैं। 3,05,000 की लागत से बनने वाले लोहिया आवासों में 2,75,000 रूपये से आवास का निर्माण किया जाएगा, जबकि 30,000 रूपये से सोलर लाइट लगाई जाएगी और आवास योजना की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। तो पहले तो चयन प्रक्रिया में जमकर धांधली बरती गई और उसके बाद अब लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजे जाने के नाम पर अब ग्राम प्रधान और सरकारी कर्मचारी धम जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। शिकायतें यहाँ आती है, उसकी जांच करने हम लोग जाते हैं, लाभार्थियों से उसका तहकीकात करते हैं, पैसा सीधे लाभार्थी खाते में जा रहा है और लाभार्थी निकाल करके आवास बना रहे हैं। इसीलिए पात्र को आवास भेज दिया गया। गांव सभा जो चयन करती है लोहिया आवास का, उसका जनपद स्तर से जो गठित त्रिस्तरीय समिति है उसके बकायदे जांच करती है और जो पात्र पाए जाते हैं उसी को, उन्हीं लाभार्थियों को जनपद स्तर से सीधे प्रजी के माध्यम से खाते में।